उपायुक्त हरकेश मीणा ने हमीर भवन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला हमीरपुर में आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयंसेवियों की टास्क फोर्स तैयार की जाएगी। हमीरपुर जिला आपदा प्रबंधन शीघ्र ही इस विशेष योजना को आरम्भ करेगा। उपायुक्त हरकेश मीणा ने हमीर भवन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला हमीरपुर में आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयंसेवियों की टास्क फोर्स तैयार की जाएगी। हमीरपुर जिला आपदा प्रबंधन शीघ्र ही इस विशेष योजना को आरम्भ करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए जिला के प्रत्येक पंचायत में कम से कम 15 स्वयंसेवियों के दल का गठन किया जाएगा। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा खोज एवं बचाव के जीवन रक्षक कौशल व प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतिभावान युवाओं को स्वयंसेवी बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान 200 रुपए प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा और खोज एवं बचाव पर प्रशिक्षण की अवधि 3 दिन की होगी। इसके लिए सभी स्वयंसेवियों का जिला आपदा प्रबंधन द्वारा डाटाबेस तैयार किया जाएगा और नियमित रूप से अपडेट भी किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान तुरंत उनकी सेवाएं ली जा सकें। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 3 साल में जिला हमीरपुर के सभी 229 पंचायतों में 3,435 स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनजीओ जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग नेहरू युवा केंद्र की सहायता से 20 जनवरी 2020 तक स्वयंसेवियों की तलाश करें ताकि शीघ्र उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना से जिला हमीरपुर की आपदा के दौरान जमीनी स्तर पर निपटने की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने समस्त विकास खंड अधिकारियों को अपने अपने विकास खंड की ग्राम आपदा प्रबंधन समिति को अपडेट करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, समस्त उपमंडलाधिकारी, विकास खंड अधिकारी जिला हमीरपुर, DIG हमीरपुर के सदस्य, जिला राजस्व अधिकारी पवन शर्मा, प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान बड़ू तथा जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।